बनो उमैया का सबसे हसीन बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, सबसे हसीन, 42 साल की उम्र, जवानी। उसकी मैयत को कब्र के करीब किया गया तो हिलने लगा। तो उसके बेटों ने कहा, हमारे अब्बा जिंदा हैं? वो सख्ता हो गया है, जिंदा हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अरे भतीजो, जिंदा नहीं है, कब्र का अजाब जल्दी शुरू हो गया है। बला अजलल्लाह बिल उकूबा, छुपाओ, जल्दी छुपाओ। उमर बिन अब्दुल अजीज जिस तख्त पर बैठे, उस पर सुलेमान था, उस पर वलीद था, उस पर अब्दुल मलिक था। इन तीनों ने अपने मन को राजी किया, उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने रब को राजी किया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज का वक्त आया मरने का, तो उन्होंने बुलाया रजा बिन हैवा से, फरमाया कि मैंने अब्दुल मलिक बिन मरवान, चाचा भी थे, सुसर भी थे, इनकी बेटी फातिमा से शादी हुई थी, मैंने उसको कब्र में उतारा, कफन की गिरा खोल के देखा तो उसका चेहरा किबले से हट चुका था, रंग काला स्याह पड़ चुका था। अब्दुल मलिक बिन मरवान गोरा चिट्टा था, ये जगह सुर्ख काला। फिर मैंने वलीद को कब्र में उतारा, उसका बेटा, 10 साल हुकूमत की, इसने 21 साल हुकूमत की, इसने 10 साल की, वलीद बिन अब्दुल मलिक। मैंने उसके कफन की गिरा को खोल के देखा तो उसका रंग स्याह हो चुका था और किबला की तरफ से चेहरा फिर चुका था। फिर सुलेमान का वाकया तो अभी सुनाया, फिर सुलेमान को कब्र में उतारा और उसके कफन की गिरा को खोल के देखा तो उसका चेहरा किबले से हट चुका था। अब मैं जा रहा हूं, मुझे देखना। पहले तीनों ने हुकूमत की पूजा की और उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने अल्लाह की पूजा की। उन्होंने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया जब खलीफा बने, ए लोगो, बचपन में शेर व शायरी का शौक था तो मैं शायर बना, थोड़ा सा उठान हुई तो इल्म का शौक लगा, मैंने इल्म हासिल किया, जवान हुआ तो फातिमा बिनत अब्दुल मलिक से इश्क हुआ, मैंने उससे शादी की, अब अल्लाह ने मुझे हुकूमत दे दी है, अब तुम देखोगे मैं इससे अपने अल्लाह को राजी करूंगा। हमारे हुक्मरान तो वोट से आते हैं और चले जाते हैं 4-5 साल के बाद, उनकी विरासत में हुकूमत आ रही है और 3 बर्रे आजम पर हुकूमत है और ऐसा रोब दबदबा है बनू उमैया का, कोई उनके सामने सर नहीं उठा सकता। 3 बर्रे आजम में जकात लेने वाला कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में सवाल करने वाला कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में जालिम कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में मजलूम कोई ना बचा। लेकिन खुद कैसा रहा, घर आए, फातिमा बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, अब इम्तिहान है, मैं तेरा हक नहीं अदा कर सकूंगा, तलाक लेनी है मैं हाजिर हूं, साथ देना है तो मेरे अपने हक माफ करो, अपने हक माफ करो। फातिमा, फातिमा जैसी औरत इंसानी तारीख में कोई नहीं आई, सियासी लिहाज से, सियासी। दादा मरवान बादशाह, बाप अब्दुल मलिक बादशाह, भाई वलीद बादशाह, दूसरा भाई सुलेमान बादशाह, तीसरा भाई हिशाम बादशाह, चौथा भाई बादशाह और अपना खामिन बादशाह, 7 निस्बतों से ये औरत शाहजादी है। कायनात इंसानी तारीख में इतनी बड़ी औरत कोई नहीं आई, सियासी, सियासी। फातिमा कहने लगी, उमर, मैंने सुख के दिन तेरे साथ गुजारे हैं, दुख में तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, जाओ, मैंने अपने सारे हक माफ किए। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की रातें और दिन कैसे गुजरे, मुसल्ले पे बैठते और रोते 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 वहीं सो जाते और रोते रोते वहीं से उठते, पर 3 बर्रे आजम में जालिम कोई ना बचा, मजलूम कोई ना बचा, जकात लेने वाला कोई ना बचा, अपनी हुकूमत को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया, सारे माल फातिमा का सारा जेवर बैतुल माल में डाल दिया, तनख्वाह पे आ गए, ईद का मौका आया, बच्चों ने मां से कहा हमें कपड़े लेकर दो, ईद आ रही है, हर आदमी अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहा है, हमारे बच्चे भी कह रहे हैं कपड़े ले जाओ भाई, लो। फातिमा के पास उमर, 3 बर्रे आजम के बादशाह के बच्चे आ रहे हैं, मां जी
ईद आ रही, कपड़े तो ले दें, अब्बा से कहें, अब्बा से बात करती हूँ। अब्बा तशरीफ लाए, खजाने लबालब भरे हुए गंदम के ढेर की तरह, कि अमीरुल मोमिनीन बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। फातिमा, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कहां से कपड़े लेकर दूं, मेरे पास तो पैसे कोई नहीं। हजरत फातिमा ने कहा, फिर बच्चों का क्या करूं? कभी मुझे भी नहीं पता क्या करूं। इसके पहले तीन हुक्मरानों ने लूट मार के बाजार गरम किए, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, और आज उसी खजाने पे एक शख्स बैठा है जो अल्लाह को राजी करके करने के झंडे गाड़ रहा है। तो फातिमा ने कहा, आप ऐसा करें, अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं अपने बच्चों को कपड़े ले देती हूँ, और घर का खर्चा मैं मजदूरी करके घर की रोटी चला लूंगी। अरे अपनी तारीफ पढ़ो, सिर्फ ड्रामे ही ना देखते रह जाओ, सिर्फ गाने ना सुनते रह जाओ। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। उन्होंने अपने बुलाया वजीर खजाना मुजाहिम, अपने गुलाम। हाँ भाई मुजाहिम, हमें बच्चों के कपड़े चाहिए, तो अगले महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाए। वो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे लिख कर दे दें कि आप एक महीना जिंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता। उमर बिन अब्दुल अजीज सर झुकाया, उठे, घर गए। फातिमा, मेरे बच्चों से कह दो कि तुम्हारा बाप कपड़े लेके नहीं दे सकता, अपनी तारीख तो देखो। ईद का दिन आ गया, खलीफा वक्त ईद की नमाज पढ़ाते थे, नमाजें भी खलीफा वक्त पढ़ाते थे। बनु उमैया का खानदान मिलने के लिए आ रहा है, सारे सरदार, सरदारों के बेटे, आला पोशाक आला लिबास मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे भी मिलने आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से बच्चे बाप को मिलने आ रहे हैं, और उनके जिस्मों पर पुराना लिबास है। हज़रत उमर उन्हें देखकर इधर अपने सरदारों के बच्चे देखे तो जर्क बर्क पोशाकें, अपने बच्चों को देखा, अरे उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता हो और फिर मुट्ठी बंद कर ले कि नहीं मैंने हराम की तरफ नहीं जाना। बच्चों को देखा तो आंखें डब डबा गईं, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मेरे बच्चों आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो होगा कि आज हमारे बाप ने कपड़े ही ना लेके दिए। उनके एक बेटे हैं अब्दुल मलिक, उनसे भी चार रात आ गए थे, उनसे पहले ही फौत हो गए थे। कहने लगे, अब्बा जा आपको मुबारक, आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं है, आपको मुबारक हो, आपने कौमी खजाने में बददियांती नहीं की है, हम शर्मिंदा नहीं है। इंसानों को कपड़ों पे नहीं तोला जाता, आज का मेरा देश कमालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने आप के अपने कद को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंड बैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है। अरे मेरी बहन, तू 10 टके की भी नहीं रही अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया। ओ मेरे दोस्त, तू 2 टके का नहीं है अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की घड़ी से अगर तू बड़ा बनना चाहता है। अरे इस धोखे से निकलो, निकलो। ब्रांडेड 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 कहां जा रहे हो? जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो रब जुल जलाल की कसम, तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। अब्बा जान, आज हम खुशी से बुलंद हैं कि हमारे बाप ने बददियांती नहीं की। घर में तशरीफ लाए, कहने के फातिमा
कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को जी चाह रहा। उफ, उफ, उफ। फातिमा रोने लगी। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, खजाना तो भरा पड़ा है, एक दिरम का भी तेरा हक नहीं है कि तू एक दिरम लेके अंगूर खरीद ले। तो थोड़ा पुठे, फातिमा मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता। ओ मेरे भाइयों, जो दिन रात सूद में फंस चुके हो, जो दिन रात जुए शराब में फंस चुके हो, कैसे अल्लाह के सामने सुरखरू होकर खड़े होंगे? एक रात घर में तशरीफ लाए, बच्चियां बेटियां मुंह पे हाथ, कपड़ा रखा, दुपट्टा रखा मुंह पे, और बात करें। आपने पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें, ये मुंह पे कपड़ा क्यों रखते हो? तो खामोश हो गई, लेकिन घर की खादमा रो पड़ी। कहा अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़ के उससे रोटी खाई, सालन खड़ी। और मेरे आज का ताजर कहता है, झूठ ना बोलूं तो कारोबार कैसे? मेरा अफसर कहता है, रिश्वत ना लूं तो गुजारा कैसे करूं? तो उमर बिन अब्दुल अजीज फिस पे हिचकियों के साथ रोए। कहा मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता हूं, पर मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाइयो, उस बंदे ने अपने आप को ज़बह कर दी, अल्लाह को राजी करने के लिए ज़बह कर दी, अपने जात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को। हाँ, अब अल्लाह ने सिला क्या दिया, जब इंतकाल हुआ होने लगा तो बुलाया रजा को, जो मैं बात पहले छोड़ के इधर उधर उनकी थोड़ी सीरत बताई कि रजा अब मैं मरने लगा हूं। अब्दुल मलिक काला हो गया था, वलीद काला हो गया था, सुलेमान काला हो गया था। ये क्यों काले हुए थे? ये बेनमाजी नहीं थे, बदकारी नहीं करते थे, किसी की तरफ इनकी मैली आंख नहीं उठी कभी। ये जालिम थे, जालिम जालिम, इंसानों का खून पिया, माल में खयानत की। इस पर अल्लाह ने चेहरे फेर दिए। आज उमर बिन अब्दुल अजीज जा रहा है, कहा देखो मैं जा रहा हूं, मुझे देखो मेरे साथ क्या होता है। इनका इंतकाल हुआ, इनकी मैयत कब्र के किनारे रखी गई, और अब नीचे उतारना है। सुलेमान की मैयत को उतारने लगे तो हिलने लगा, और अजाबे कब्र पहले शुरू हो गया। उमर की मैयत को जब कब्र के करीब किया गया, ऐसे हवा का झोंका आया, एक पर्चा ऐसे लहराता हुआ यूं आया, यूं आया, यूं आया, और उमर के सीने पर गिर गया। लोग कठे हो गए, पर्चे को खोल के देखा गया तो उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बराअतुम मिन अल्लाह लउमर इब्ने अब्दुल अजीज मिन अन्नार, ये परवाना है अल्लाह की तरफ से उसके बंदे उमर के लिए कि उसे जहन्नम से नजात की खुशखबरी सुना दी जाए। आहा, मरना हो तो यूं मरो, अल्लाह ऐसी मौत दे दे। कहते हैं फिर मैंने उनको कब्र में उतारा, जब कब्र में उतारा तो क्या देखा, मैंने कफन की गिरा खोली तो चेहरा किबले की तरफ, और यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद कब्र में उतर आया हो। और आखिरी बात करता हूं, मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह से सुलह कर लो, अपने अल्लाह से सुलह कर लो।